वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और आज की इस छोटी से स्नैपशॉट वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस को। और आज के सेशन में, आज की क्लास में मैं आपको ग्लाइकोलिसिस की पाथवे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का एक फ्लो चार्ट है, एक रिप्रेजेंटेशन है। आपको मालूम है कि रेस्पायरेशन में अगर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है, तो वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्जन दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का है, और ये 6 कार्बन का ग्लूकोज जो होता है वो पहले आपका कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, देन दिस कन्वर्ट टू GLAP यानी ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। आप कुछ बातों का ध्यान देंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस अगर आप शुरू करें पढ़ने के पहले तो आप इनके स्टेप्स काउंट कर लें। 5 स्टेप जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये प्रिपरेटरी फेजेस में आते हैं, और लास्ट के 5 स्टेप जो होते हैं वो पे ऑफ फेज में आते हैं, यानी कि 5 फेज ऊपर के इनपुट और लास्ट के 5 फेज जो होते हैं वो आपके आउटपुट फेज में हैं। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, से बनेगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, और ये सारे जो केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो 6-6 कार्बन के हैं। लेकिन बाद में ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का, ये 3-3 कार्बन के दो प्रोडक्ट में टूटेगा, नाम है GLAP यानी कि ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, और DHAP का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन ये DHAP का जो यूज है वो ग्लाइकोलिसिस में नहीं है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा वापस GLAP में, और आगे से जो प्रोसेस आप बढ़ाएंगे उसमें GLAP के 2 मोल हो जाएंगे, क्योंकि अब आप 6 कार्बन के किसी एलिमेंट को अगर तोड़ेंगे 3 कार्बन एलिमेंट या कंपाउंड में तो वो फिर 2 हो जाएगा, बिकॉज कार्बन नंबर बैलेंस करना है। ये भी ध्यान देना कि जब पहले स्टेप में रिएक्शन होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम यूज़ करेंगे हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा तो एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, ठीक है। एंड देन 3rd स्टेप पर फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज लगेगा, और लास्ट में नंबर 4 पे फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जब GLAP यानी कि ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो एल्डोलेज लगेगा। यहाँ पे एल्डोलेज जो है ये आइसोमेराइज कराएगा ट्रायोज फॉस्फेट को, इसको ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज भी बोलते हैं। GLAP आपका 2 मोल लेंगे, 3-3 कार्बन का 2 मोल लेंगे, और ये कन्वर्ट होगा, अब सारे मॉलिक्यूल्स 2-2 हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट होगा 2 मोल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और लास्ट में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 कार्बन का टूट जाता है 3 कार्बन के 2 मोल के पायरुविक एसिड में। तो यही ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, जिसको कि सेल के साइटोसॉल में चलाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस सेल साइटोसॉल यानी साइटोप्लाज्म के लिक्विड कंपोनेंट में चलती है। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोलते हैं, एम्बिडान, मेयरहॉफ एंड पारनास पाथवे, बिकॉज ये तीनों इसके डिस्कवरर हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों केस के लिए कॉमन है, बिकॉज ऑक्सीजन के होने और ना होने से ग्लाइकोलिसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप्स 10 होंगे, ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, दिस कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में तोड़ना है GLAP और DHAP। DHAP आगे फर्दर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होगी, GLAP का 2 मोल होगा, 3 कार्बन का 1 होगा, कन्वर्ट टू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड। आपको ये भी ध्यान देना है कि स्टेप में कहाँ कहाँ कौन कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं। ध्यान ये देना कि जब ग्लूकोज पहले स्टेप पे एक्सोकाइनेज ऊपर एल्डोलेज तक तो आपने देख लिया, नीचे जाएंगे GLAP से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में GLAP हाइड्रोजनेज लगेगा,
वन थ्री बिस फॉस्फो से थ्री फॉस्फो बनाएंगे तो फॉस्फो ग्लिसरो काइनेज लगेगा, थ्री फॉस्फो से टू फॉस्फो बनाएंगे तो फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेज लगेगा, टू फॉस्फो से फॉस्फो इनॉल पायरबिक एसिड बनाएंगे तो इनोलेज लगेगा, और फॉस्फो इनॉल पायरबिक एसिड से अगर पायरबिक एसिड बनाएंगे तो एंजाइम पायरबेट काइनेज लगेगा। स्टेप नंबर 1-2 के बीच में डायरेक्ट एटीपी यूज हो रही है, स्टेप नंबर 3-4 के बीच में डायरेक्ट एटीपी यूज हो रही है, यानी कि पूरे ग्लूकोज में दो एटीपी जो है वो कंज्यूम होती है या खर्च होती है। बाद में आप पे ऑफ फेज में देखना, जहां मिलता है आपको तो दो NADH आपको मिलेंगे, दो NADH2 जो 6 ATP के बराबर होंगे, दो ATP डायरेक्ट ऊपर और दो ATP डायरेक्ट आपको नीचे मिलेगी। कहीं भी एंजाइम अगर काइनेज यूज़ करते हैं, कहीं भी अगर काइनेज एंजाइम लगा है तो आप ये बात समझिए कि या तो ATP वहाँ बन रही है या वहाँ ATP कंज्यूम हो रही है। तो आप इसकी अगर ATP की समरी ले लें, मैं आपको एक बार ATP की समरी बता दूं कि ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट ATP कितनी बनती है, इनडायरेक्ट ATP कितनी बनती है, नेट गेन और टोटल गेन जो ATP का होता है वो हम कैसे लेते हैं। इसको आप अगर एक बार बिना देखे ड्रॉ कर लें तो आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। देखिए क्लास, पहले आपको दिख रहा है कि दो NADH2 बना, तो 1 NADH2 बराबर 3 ATP होता है, तो 3 × 2 = 6 ATP होगा। दो ATP ऊपर, दो ATP नीचे, यानी 4 ATP डायरेक्ट बन रही है, ये 6 ATP जो है ये इनडायरेक्ट बन रही है, यानी आप इसको ऐड करेंगे टोटल ATP डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के तो 6 + 4 = 10 ATP। इसमें से भी दो ATP ऊपर खर्च हो रही है, यानी आप इसमें से 10 - 2 करेंगे तो 8 ATP आपके पास बचेगा। लेकिन इस 8 ATP का क्या फेट है कि ये 6 NADH2 वाली और दो डायरेक्ट है, ये जो दो ATP डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वाली का मान उतना नहीं है, ये जो दो ATP है इसको नेट गेन ATP बोलते हैं। तो ये रहा ग्लाइकोलिसिस का एक ओवरव्यू, इसको लिख करके, बोल करके, रिवाइज करके प्रैक्टिस करिए, तो इस तरीके से ATP की समरी जो है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।